सब तो पहला एक मिनट प्लीज करिए स्टार्ट करिए जी। सब तो पहला तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे विचकार ने दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्हां ने एजुकेशन दे विच क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल कीतियां नेगियां, और दूजे पासे सरदार बलकार सिंह जी, लालचंद कटारू चक जी, सुरिंदर सोढी जी, साडे भैण राजविंदर कौर जी, हरचंद सिंह बरसड़ जी, साडी समुची ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, धन्यवाद चीमा साहब। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज सुबह सबसे पहले तो मुझे भगवान वाल्मीकि तीर्थस्थली पर जाने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य था। वहाँ पर पवित्र भूमि पर जाकर एक अच्छा अनुभव हुआ कि किस तरह से इस पवित्र भूमि में भगवान वाल्मीकि ने, मैं कह सकता हूँ, रघुकुल परिवार को शिक्षा दी थी। तो जिस तरह से प्लीज शिक्षा दी थी, तो वो बहुत पवित्र भूमि है। वहाँ पर दर्शन करके बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। उसके बाद यहाँ पर वाल्मीकि परिवार की एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा समाज की ओर से निकाली गई थी, और उसमें भी बहुत श्रद्धा भाव के साथ लोगों ने आयोजन किया है। उसकी हरी झंडी दिखाने का मुझको मौका मिला, उसकी शुरुआत करने का अवसर मिला, ये भी एक पुण्य की बात है। ये अवसर के साथ साथ अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण पंजाब के एक और महत्वपूर्ण विषय पर कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से मौजूदा पंजाब सरकार और पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब की जनता को पुनः झांसे में फंसा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2017 में जब पंजाब के चुनाव हुए थे, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय कांग्रेस ने चुनाव से 3 महीने पहले रोजगार कार्ड बांटे थे। कैप्टन साहब ने ये वादा किया था, कांग्रेस ने ये वादा किया था कि जी हमारी सरकार आएगी तो हम इस कार्ड के धारकों को, इस कार्ड के होल्डर्स को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे रोजगार भत्ता देंगे। अब कांग्रेस को लोगों ने चुन लिया, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बन गए। 4.5 साल तक कांग्रेस ने, या कांग्रेस के नेता जी मुख्यमंत्री जी ने, एक बार भी जॉब कार्ड की बात नहीं की। जॉब कार्ड को भूल गए, वो रोजगार को भूल गए, वो पूरी तरह से रोजगार भत्ते की बात भूल गए। उन्होंने 4.5 साल में एक बार भी बात नहीं की। 4.5 साल में जब लोग दुखी हुए और इस तरह के तमाम वादों को भूल गए, लेकिन मैंने रोजगार कार्ड स्पेशली कहा है, किसी विशेष संदर्भ में कहा है कि किस तरह से कार्ड दे के लोगों के साथ झांसा किया गया था। अब कांग्रेस ने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने तो वो भी अपनी पार्टी के रोजगार कार्ड को तो भूल गए कि हमारी पार्टी ने कभी रोजगार कार्ड दिया था, रोजगार भत्ते की बात की थी। रोजगार कार्ड की बात नहीं कर रहे चन्नी साहब। अब चन्नी साहब एक नया कार्ड लेके आ गए, एक नया कागज लेके आ रहे हैं लोगों के हाथों में देने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये 5 मरला कार्ड है, 5 मरले का कागज है, हम इसको देंगे लोगों को, 5 मरला जमीन देंगे। ये एक और बड़ा झांसा रोजगार कार्ड की तरह से चन्नी साहब का लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव हम जीत जाएंगे तो अगली बार हम आपको 5-5 मरला जमीन दे देंगे। इसके लिए लोगों को कागज दिए जा रहे हैं, 5 मरले का वो कार्ड है, एक तरह से कागज पकड़ाए जा रहे हैं लोगों के हाथों में। जमीन नहीं दे रहे, जमीन एक को भी नहीं मिली, जमीन नहीं दे रहे, कागज दे रहे हैं कि साहब ये जमीन का कागज देंगे, जमीन देंगे, इस कागज के आधार पे हम आपको बाद में जमीन देंगे जब चुन के आ जाएंगे दोबारा से। लेकिन जमीन तो देंगे नहीं, जमीन देंगे कैसे, जमीन तो देने की उनकी नियत ही नहीं है। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कैप्टन साहब का रोजगार कार्ड एक बहुत बड़ा झांसा था, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था, चन्नी साहब का ये 5 मरले वाली जमीन का जो कार्ड आपके हाथों में दिया जा रहा है, वो जो कागज आपके हाथों में दिया जा रहा है,
कि वादा है वो भी एक बहुत बड़ा झांसा है। एक भी आदमी को ज़मीन नहीं मिली है। ये ज़मीन की योजना एक्चुअली 1961 की है, पांच मरला की, सारे पत्रकार बंधु जानते हैं। 1961 से कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने एक आदमी को ज़मीन नहीं दी इस योजना में, और आज भी चन्नी साहब ज़मीन नहीं दे रहे, ज़मीन देने के वादे का कागज़ दे रहे हैं उसके हाथ में। चन्नी साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इतना झांसा क्यों दे रहे हैं आप लोगों को? आप तो तीन बार तो MLA रह लिए, मंत्री भी रह लिए, आपने अपनी विधानसभा में कहीं बता दो 1961 की इस योजना के तहत किसी को ज़मीन दी हो तो। अब योजना तो 1961 में बन गई थी, ये पांच मरले वाली, आज तक किसी पार्टी ने ज़मीन नहीं दी, आज चन्नी साहब भी नहीं दे रहे, ज़मीन देने के वादे का कागज़ दे रहे हैं। तो जैसे कैप्टन साहब ने कार्ड दिए थे रोज़गार के, वैसे ही चन्नी साहब ज़मीन के कार्ड दे रहे हैं कि हम ज़मीन देने का वादा करेंगे, वादा कर रहे हैं। लेकिन ज़मीन नहीं मिलने वाली लोगों को मैं कहना चाहता हूँ उतना ही फर्जीवाड़ा है इसमें भी जितना रोज़गार वार्ड में फर्जीवाड़ा था, रोज़गार कार्ड में फर्जीवाड़ा था। धन्यवाद। इसके बारे में आपको सर मेरी एक विनती है, जब भी कोई भी सरकार आती है रोजगार के नाम पे या लाड़ पाने के नाम पे सभी को वादे करती है। हमारे पत्रकार भाई कई ऐसे हैं, उनके पास किसी के पास है मैडम एक पॉलिटिक्स नहीं है, क्या उनके लिए भी कुछ सहूलत आएंगे? मैं अभी पांच मरले वाले पे कुछ सवाल है कुछ पत्रकारों के कुछ सर, सर बहुत से अभी तो उन्होंने अनाउंस किया है थोड़े दिन में, पहले ही सरकार आई है चन्नी सरकार जो आई है, तो उन्होंने कहा है कि इस मंथ में हम जो है वो क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे जो फॉर्म जिन्होंने क्लिक किए हैं। तो उन्होंने जो बिजली का बिल भी था उन्होंने बिजली का बिल माफ किया है, बोल रहे कि जो अभी बोल ही रहे ना, अभी तो करना चाहिए ना, लोगों के हाथ में जीरो के बिजली के बिल आए तो बात बने ना। दिल्ली में 83% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। चलिए सर बात करते हैं पांच मरले के प्लॉट को लेकर, वायदे किए जा रहे हैं जैसे कांग्रेस कर रही है, आपने भी कोई वायदे किए थे, 10 वायदे आपने वहाँ उससे भी केजरीवाल साहब ने भी किए हैं, तो क्या वायदों से सरकार चलती है हमेशा? नहीं, काम करने से चलती है। और आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये करके दिखाया है कि जो हम कहते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। दिल्ली में हमने जितने जितने वादे किए थे पाँच साल में उससे ज़्यादा करके दिखाया, और अभी भी जो केजरीवाल जी की गारंटी दिल्ली में है उनसे ज़्यादा पे काम चल रहा है।